हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर बॉबी गांधी आज 12 के बच्चों को ग्रामर पढ़ाएंगे। ग्रामर आपका बदल चुका है, लेकिन इसमें फर्स्ट आया है ग्रामर में मॉडल ऑक्सिलरी। तो मॉडल ऑक्सिलरी हम पढ़ेंगे। मॉडल ऑक्सिलरी पढ़ने के लिए हमको इस चार्ट को पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मॉडल ऑक्सिलरी के 3 टाइप होते हैं, 3 प्रकार होते हैं। फर्स्ट और सेकेंड टाइप को पढ़ने के लिए इस चार्ट को पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड टाइप इस चार्ट पर टोटल डिपेंड है। थर्ड टाइप के लिए आपको इस चार्ट को पढ़ना नहीं पड़ेगा, क्योंकि थर्ड टाइप मॉडल ऑक्सिलरी का बहुत इजी है। तो चलिए हम देखते हैं, नेसेसिटी, सर्टेनिटी, ऑब्लिगेटरी, कंपल्सन और इम्फेटिक एडवाइस मस्ट को एक्सप्रेस करता है। ओके, एडवाइस, कंपल्सन और डिजायरेबिलिटी यह शुड को एक्सप्रेस करता है। रिक्वेस्ट, पॉसिबिलिटी और परमिशन ये माइट को एक्सप्रेस करता है। परमिशन, रिक्वेस्ट, पॉसिबिलिटी यह मे को एक्सप्रेस करता है। वार्निंग, थ्रेट, सर्टेनिटी, विनिंगनेस, प्रॉमिस और ऑफर यह विल और शैल को एक्सप्रेस करता है। कैपेबिलिटी, रिक्वेस्ट, अबिलिटी, परमिशन, पॉसिबिलिटी यह कैन और कुड को एक्सप्रेस करता है। हैबिचुअल एक्शन इन द पास्ट यह यूज्ड टू और वुड को एक्सप्रेस करता है। प्रोहिबिशन यह मे नॉट को एक्सप्रेस करता है। डिजायरेबिलिटी, ऑब्लिगेशन और प्रोबेबिलिटी यह ऑट टू को एक्सप्रेस करता है। तो आपको अभी समझ में नहीं आया होगा मैं क्या कह रही हूँ। तो हम देखते हैं मॉडल ऑक्सिलरी का टाइप फर्स्ट और सेकंड, जो इस चार्ट पे टोटली डिपेंड रहता है। टाइप फर्स्ट और सेकंड देखिए, मॉडल ऑक्सिलरी इसके फर्स्ट टाइप में आएगा शोइंग, क्वेश्चन शोइंग का, यह 100% एग्ज़ाम में आता है। सेकंड टाइप है पिक आउट, मतलब खोजना, यह 30% मॉडल ऑक्सिलरी एग्ज़ाम में आता है। और थर्ड टाइप है इसका वॉज एबल टू, इज एबल टू, ये 50% एग्ज़ाम में आता है। तो हम अभी पढ़ेंगे शोइंग वाला पहला टाइप, फर्स्ट प्रकार। तो देखिए क्वेश्चन है, द फंड्स हैव टू बी रिटर्न्ड, Use a मॉडल ऑक्सिलरी शोइंग obligatory। तो जब obligatory का हमने चार्ट में देखे क्या पढ़े थे, देखिए obligation अलग पढ़ते हैं और obligatory अलग पढ़ते हैं। तो obligatory का हम चार्ट में देखे पहले में क्या लिखा हुआ है, तो इसके लिए हम चार्ट देखेंगे। तो इसमें लिखा obligatory का क्या है, must। तो हमारा आंसर बनेगा the funds must be returned। ओके, तो हमको ऑब्लिगेटरी का देखना है। ऐसे भी एग्ज़ाम में आते हैं लेट वाले मॉडल ऑक्सिलरी। तो देखिए सेकंड नंबर है, लेट हिम आस्क नो अदर ब्लेसडनेस, रीराइट यूजिंग ए मॉडल ऑक्सिलरी एक्सप्रेसिंग एडवाइस। तो इसका आंसर बनेगा, अब लेट वाले कैसे बनाते हैं हमें पता है, हिम लड़कों के लिए लगाते हैं, तो यहाँ पर हिम का हो गया ही। अब बोला गया है एडवाइस है, तो हमने देखे चार्ट में एडवाइस के लिए क्या दिया गया है, शुड। तो आंसर बनेगा, ही शुड आस्क नो अदर प्लेसटनेस। ओके, अब देखिए सेकंड मॉडल ऑक्सिलरी का टाइप क्या है, पिक आउट वाला। पिक आउट द मॉडल ऑक्सिलरी ऐसा क्वेश्चन आएगा। इसका फर्स्ट है, टेली ऑपरेटर वुड आस्क फॉर यूअर एड्रेस एज ए काउंटर चेक। तो हमने देख ली सेंटेंस में बूट क्या है, मॉडल ऑक्सिलरी है। तो हमने बूट को निकाल दिए, पिक आउट कर लिए, चुन लिए और लिख देंगे बूट। अब हम चार्ट में देखेंगे बूट का क्या लिखा है, हैबिचुअल एक्शन इन द पास्ट। अब सेकंड देखिए, पिक आउट द मॉडल ऑक्सिलरी, सेकंड नंबर है, यू शुड कम इन माई होम। तो हमने मॉडल ऑक्सिलरी निकाल दिया है शुड, तो शुड का हमने चार्ट में देखा क्या है, तो शुड का लिखेंगे एक्सप्रेस एडवाइस। ओके, अब हम थर्ड पढ़ेंगे, थर्ड ये 50% आता है एग्ज़ाम में। अब देखिए थर्ड है वॉज एबल टू, इज एबल टू। इसका फर्स्ट है,
India was able to play the game on equal terms. Rewrite using could. अब हमने was able to की जगह हमें could करना है, तो आंसर बनेगा India could play the game on equal terms. ओके, अब सेकेंड देखिए, कोड बोले जी इज एबल टू स्पीक फ्लुएंट इंग्लिश. रीराइट यूजिंग कैन, तो इसका आंसर बनेगा इज एबल टू की जगह लगा देंगे हम कैन, तो आंसर है गोड बोले जी कैन स्पीक फ्लुएंट इंग्लिश. ओके, अब आपको दो एग्जांपल दिए गए हैं, आप इसको बनाइए. इसको आप बना भी सकते हैं अपने कॉपी में या कमेंट्स में बनाइए, लेकिन आपकी इससे अच्छी प्रैक्टिस हो सकती है. तो आपको क्या करना है, आपको चार्ट को लर्न करना है. ओके, अब आप लोग बहुत पढ़िए और आगे बढ़िए. तो आप मेरी गाइड से, 12th की गाइड से पढ़ सकते हैं. ये महाराष्ट्र की हर बुक डिपो में अवेलेबल है. और आपको लगता है मेरी ऑन लैंग्वेज में सीखना है, तो आप ऑनलाइन सीखिए. इसलिए आप इसको रिपीट कीजिए बार बार इस वीडियो को और पढ़ते जाइए. ऑल द बेस्ट.